हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड वन ग्रुप। आप सभी का हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MSTCT 2019 के कैप राउंड 2 प्रोसेस के बारे में, जो कि ऑप्शन फिलिंग फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो आज स्टार्ट हो चुका है। और आज आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। इसका डेट केवल 21 से 22 के बीच में ही रहेगा, मतलब कि आज 21 जुलाई और 22 जुलाई, ये दो दिन के बीच में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, और फिर 24 को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है कि किस कॉलेजेस में कितने वैकेंट सीट्स बाकी हैं, तो अभी हमारे पिछले वीडियो को देखें। हमारा पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कॉलेज में आपको फॉर्म भरना है, किस में नहीं। और भी अगर आपको डाउट है कि टॉप 10 कॉलेजेस आपको कैसे गेट, मतलब कैसे आपको उसको पाना है, तो आप हमारा पिछला वीडियो और देखिए, जिसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको भी देखिएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप सबको सबसे पहले देख पाए और आपसे एक भी जानकारी छूटी ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइप करना होगा mstct.org, अपना पुराना वाला वेबसाइट। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना होगा आपको ऑप्शन फिलिंग फॉर्म एडिट करने के लिए, भरने के लिए। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपका अपना पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। इनकम्प्लीट ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2 यहाँ पर लिखा है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा फिल एडिट ऑप्शन फॉर्म पे। फिल एडिट ऑप्शन फॉर्म अभी आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू प्रोविजनल इन्फॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका दिख रहा है यहाँ पे पेज। तो यहाँ पे SL का मतलब होता है स्टेट लेवल, HU का मतलब होम यूनिवर्सिटी, OHU मतलब अदर देन होम यूनिवर्सिटी, F मतलब ओनली फॉर फीमेल, T मतलब TFWS, के मतलब कोंकण सीट्स, 15% सीट रिजर्व फॉर कोंकण रीजन कैंडिडेट बिलोंग टू थाने, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ एंड एक्सेट्रा। और FT मतलब ओनली फॉर फीमेल ट्यूशन फीस फेवियर स्कीम। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है क्या आप चाहते हो कि आपका जो कैप राउंड 1 में ऑप्शन फिल किया गया था उसको यहाँ पे लाया जाए। तो आप अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं चाहते हैं पूरी तरह से नया फॉर्म भरना चाहते हैं तो नो करें। तो आपको जो सही लगे वो करें आप यहाँ पे। मैं तो पहले यस करके देखेंगे, पहले यस करके देखते हैं, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर मिलेगा जो आपने पिछले बार भरा था। आपको पहले इधर TT के सारे फॉर्म भरा गया था कि टी में कोई आपका अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो सब एक टॉप कॉलेजेस वाइज धीरे धीरे रैंकिंग लो होते जा रहा है, इस तरह से भरा गया है। फिर उसके बाद देख सकते हैं पहले टी के सारे भरे हैं कि टी के अंदर एक भी कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल से रिलेटेड इस सारे कॉलेजेस के हैं। तो यहाँ पे इन सब कॉलेजेस टी के हो गए। टी कॉलेजेस करीबन देख सकते हैं आप 102, मतलब 103 पे यहाँ पे आपको मिला था कॉलेज 103 पे। तो यहाँ के बाद आपको और भी ऐड करना है, मतलब जैसे कि अगर आपको पिछला कॉलेज कौन से नंबर पे मिला होगा, जैसे इसमें अगर आप देख रहे हैं 102 पे दिखा रहा है तो मतलब कि 103 पर आपको मिला होगा कॉलेज। तो उसके ऊपर के ही सारे कॉलेज दिखाएंगे, उसके नीचे के नहीं दिखाया जाएगा। अगर आप पूरी तरह से नया भरना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करें। नो पे क्लिक करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपको एक नया फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको पूरी तरह से नया भरना होगा। और फिर उसके बाद आपको आपका अपना प्रेफरेंस सेट करना होगा कि कौन सा पहले नंबर पे होगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा थर्ड नंबर पे। फिर ऑप्शन फॉर्म की समरी आपको दिखाई जाएगी कि क्या आपने कैसे कैसे भरा है। और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन का आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, वहाँ पे आप कंफर्म करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट बाहर निकाल लेंगे और ये आपका ऑप्शन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा।
तो दोस्तों ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, पहले तो आप अपने पुराने कॉलेजेस को मत लीजिएगा, आप नो पे क्लिक करके सारे नए कॉलेजेस को भरिएगा, सारे ऐड करिएगा। और हाँ, कई लोगों का ये डाउट है कि वो लोग जो कैपराउंड वन में कॉलेज भरे थे उसमें जो वैकेंट सीट्स नहीं रह गए हैं, क्या वो भी भर सकते हैं? तो अगर आपको भरना है वो कॉलेज तो भरिएगा, अगर मिलना रहेगा तो मिलेगा, नहीं मिलना रहेगा तो सीट खाली है, वैसे सीट भरी हुई है तो आपको नहीं मिलेगा ना, भरने में क्या जा रहा है। अगर आप भरने का ऑप्शन है तो आप भर के रखिए सारे फॉर्म्स जितना हो सके। दोस्तों अगर आपका रैंक कम है तो मैं तो कहूँगा आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सारे कॉलेजेस के फॉर्म भर दीजिए, वो भी रैंक वाइज। अगर आपको फीस भी बचाना है और आपको लगता है कि आपको फीस बचा सकते हैं, तो अगर रैंक कम है तब भी कैसे भरिएगा कि पहले टी के सारे भरिएगा, क्या पता आपको टी में मिल जाए, फिर उसके बाद माइनॉरिटी के सारे भरिएगा, फिर सॉरी माइनॉरिटी नहीं, उस टी के बाद पहले टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा टी के बाद, ठीक है। टी में भी पहले टॉप के गवर्नमेंट, फिर उसके बाद नॉर्मल कॉलेजेस, फिर सारे टी के कंप्लीट होने के बाद, मतलब ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम के थ्रू वाले जितने भी कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप भरिएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस ओपन में, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज के बाद कुछ टॉप कॉलेज भर दीजिएगा, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज कुछ टॉप कॉलेज, उसके बाद आप माइनॉरिटी कॉलेज भरिएगा कि आपका जो भी माइनॉरिटी हो, हिंदू हो तो हिंदू माइनॉरिटी, मतलब हिंदी माइनॉरिटी, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी, गुजराती हैं गुजराती माइनॉरिटी, जैन है तो जैन माइनॉरिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह के फॉर्म, तो इसे माइनॉरिटी भर दीजिएगा। वो माइनॉरिटी भरने के बाद जितने भी आपको लगते हैं कि आपके नज़दीक कॉलेज हैं, माइनॉरिटी के सारे कॉलेजेस आपके हिसाब से, अगर आपका हिंदू है हिंदू भरिएगा, अगर हिंदी भरिएगा, माइनॉरिटी में गुजराती है तो गुजराती भरिएगा, जैन है जैन भरिएगा, मुस्लिम मुस्लिम भरिएगा, और भी साउथ इंडियन है साउथ इंडियन का भरिएगा। तो यह सब भरने के बाद आपके नज़दीकी कॉलेज भरिएगा, ठीक है। नज़दीक के कौन से कॉलेजेस हैं, नज़दीक के कॉलेज भरिएगा। अगर आप EWS के अंदर आते हैं तब तो आपको शायद और भी कॉलेजेस डालने चाहिए कि आपको जिसमें EWS के सीट्स वैकेंट हो, वो भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में आप कैसे चेक करते हैं वैकेंट सीट्स, आप उसको भी चेक करिएगा, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस मैं बनाते रहूं इन सब पे रिलेटेड, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके रखें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले और वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। तो इस तरह से आप सारे फॉर्म भरेंगे, कैसा आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सारे टी के स्कीम के फॉर्म, फिर उसके बाद आपको भरना होगा सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर्म, फिर उसके बाद आपको कुछ टॉप कॉलेज भरने होंगे, फिर उसके बाद माइनॉरिटी कॉलेज, फिर उसके बाद नज़दीक के कॉलेजेस, फिर उसके बाद बचे जितने भी आपको लगते हैं कि अच्छे कॉलेजेस हैं, सब रैंक वाइज अपने मन से डाल दीजिएगा। अगर आपको इन सब में भी दिक्कत आ रही है कि कौन से कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है, कौन सा कॉलेज पहले पे आना चाहिए, कौन सा कॉलेज सेकेंड पे आना चाहिए, तब दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, किसी एक जानकार पर्सन के पास जाइए या कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाइए, और वहाँ से आप सारे फॉर्म भरिएगा, और भरने के बाद उनसे सारा अपने बातचीत सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है, तो मेरे लायक कुछ अगर डाउट रहा तो मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगा हर एक वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में जब हमारा रिजल्ट आएगा 24 को, तो हम आपको पहले ही बताएंगे कैसे क्या करना होगा। और तब तक भी हमारे दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और भी जानकारी बढ़ाते रहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।